का फॉलोअर से सभी को हम सिप्ला लिमिटेड, सिप्ला सिक्किम, कुमरेक लिमिटेड यूनिट वन के एम्प्लॉय सभी के तरफ से आज ये सिप्ला में स्ट्राइक किया जा रहा है। और ये स्ट्राइक करने का हमारा मुख्य उद्देश्य चार पांच है, जो हम लोग रिटर्न में मैनेजमेंट को भी दिया गया है, जो हम लोग आप लोग को पढ़ के सुनाएंगे। और इसका मैं छोटा सा आपको वर्णन दे दूंगा, उसका मुख्य रीजन क्या था। ये कंपनी में दो साल से इंक्रीमेंट सिस्टम आया है, जो इंक्रीमेंट सिस्टम है उसको बदल कर रेटिंग कर दिया है 1, 2 और 3, जिसका 1, 2 और 3 मतलब एक मतलब सबसे पुअर परफॉर्मेंस, और उसके बाद 2 है क्रेडिटेबल, और 3 का मतलब है अमेजन। अब आप सोचिए, जब एक आदमी एक साल भर काम करेगा, पूरा साल भर काम करेगा और बाद में बोलेगा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बुरा था, एक साल काम करने के बावजूद उसी से जितना शोषण करना था कर लिया, लेकिन बाद में बोल रहा है तुम्हारा परफॉर्मेंस सही नहीं है, तुम कंपनी के बाहर जा सकते हो, कंपनी के यूज में नहीं हो। और जो मैनेजमेंट में बैठा हुआ है, जो एक मजदूर है, वो उसका मंथली इनकम है 20 से 22 हज़ार 24 हज़ार 28 हज़ार, लेकिन जो मैनेजमेंट में बैठा हुआ है, जो बोल रहा है कि तुम्हारा काम नहीं है, तुम कंपनी से बाहर जा सकते हो, उनका पर डे का सैलरी 24 हज़ार 22 हज़ार 25 हज़ार है। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो इधर बैठे आदमी निकल रहे हैं और वो बाकी काम उधर 24 हज़ार, जो इसका तलब 24 हज़ार है, वो 24 हज़ार का क्या तलब लेके वो काम कर रहा है, प्रोडक्शन दे रहा है, कंपनी का टर्नओवर हो रहा है, दुनिया भर का सब चीज़ चल रहा है कंपनी में, लेकिन वही आदमी का परफॉर्मेंस बुरा हो रहा है एक साल के बाद। इसलिए हम लोग को मांग था कि हम लोग ये सब सिस्टम जब हटेगा तब हम लोग ये स्ट्राइक पूरा करेंगे, वरना जो हमारा मांग है वो मैनेजमेंट के तरफ से इन रिटर्न नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये स्ट्राइक जारी रहेगा, चाहे एक महीना हो। जो हम लोगों ने ये स्ट्राइक किया है, अभी जो बोला है, वो हम लोग कुछ इलीगल नहीं कर रहे, जैसा एज पर गवर्नमेंट का रूल है, हम लोगों ने नोटिस दे दिया है 24 से स्ट्राइक कर रहे। तो आज हम लोगों का क्या हुआ है, नो वर्क नो पे करके नोटिस दिया है हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने कल से ही स्ट्राइक किया है, नोटिस भी दे दिया है, और नोटिस पे कुछ कुछ डिमांड रखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नोटिस में ये लिखा है, वी द एम्प्लॉय ऑफ सिप्ला लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट 1 कुमरेक ईस्ट सिक्किम वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर गोइंग ऑन स्ट्राइक एंड क्लोजिंग द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग अंटिल आवर फॉलोइंग डिमांड्स आर फुलफिल्ड। Demand number 1, there must be job security for all regardless of their working experience and performance rating. Number 2, job rating, forceful resignation and termination to be stopped immediately. Number 3, employee must not face any type of discrimination, mental harassment and physical harassment inside the job premises and must not be individually targeted. Number 4, any decision on the result of data integrity issue investigation should not lead to the termination of employee, and protocol should be made for suspension of employee not more than 15 days. And wherein if terminated, VRS as per government rule must be given. Number 5 demand is working hours should not be more than 8 hours, and in case of extra working hours, overtime pay must be given. ये आप सब लोग को सूचित करना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी में एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं तो हम लोगों को ओवर टाइम मिलता है, किसी को भी मिलता है, मजदूर को भी मिलता है, एम्प्लॉय को भी मिलता है, लेकिन हम लोगों का इधर पे ओवर टाइम नहीं मिल रहा है। और लास्ट में हम लोगों ने कंक्लूड किया है, अनलेस एंड अनटिल द अबव डिमांड्स आर फुलफिल्ड इन रिटर्न फ्रॉम द मैनेजमेंट वी विल बी ऑन स्ट्राइक इन ड्यूटी आवर्स। ये नोट कर लीजिए, ड्यूटी आवर्स मतलब हम लोग सब ड्यूटी में ही है अभी, स्टार्टिंग 24/6/2019। हम लोगों ने कल से स्ट्राइक किया है, अभी तक हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला है, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही स्ट्राइक करते रहेंगे। थैंक यू। एक बात रखना चाहता हूँ, हम लोग मैनेजमेंट को ये जो भी ग्रीवेंस मांगा गया है उन लोगों को इन रिटर्न मांग रहे हैं, लेकिन वो लोग वर्बली एश्योर कर रहे हैं, लेकिन जो नो वर्क फॉर नो पे सिंपल सी बात है वो लोग नोटिस बोर्ड पे इन रिटर्न चिपकाया हुआ है, लेकिन हम लोग का जो ग्रीवेंस है वो लोग लिख के दे नहीं सकते, ये बात वो लोग बोल रहे हैं, एश्योर नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं देना है वो लोग नोटिस लगा सकते हैं, लेकिन जो ग्रीवेंस हमारा फुलफिल
कर रहे हैं उसके लिए रिटर्न भी नहीं दे पाएंगे। सोचिए, एक तरफा डिसीजन सोचिए ये मैनेजमेंट की तरफ से। इसलिए आप सबको ये सूचित करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट एक तरफा हुआ है, उन लोगों को सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए, उन लोगों को सिर्फ प्रोडक्शन चाहिए। इसको अच्छा से आप लोग मूल्यांकन कर दीजिए, इस तरह से किसी भी इम्प्लॉय को, मजदूर को शोषण ना करें। मजदूर शोषण जो भी भारत सरकार के तरफ से जो मजदूर का डिपार्टमेंट है वो भी इसमें मूल्यांकन कर दे। हम सभी यही अपील करेंगे। धन्यवाद।